बिस्मिल्लाह। अच्छा भाई बच्चों, ये अब आपका लेक्चर नंबर क्या है? 26 है। ये मैं शुरू से नहीं आपको पढ़ाऊंगा, पहले इसकी एक एग्जांपल करवाता हूँ, फिर आपको ये मेथड समझाता हूँ जो इसका आसान तरीका है। एग्जांपल आपके पास जो है ना वो ये है कि अगर एन स्केयर इवन इंटीजर होता है तो देन एन भी क्या होता है? इवन। अगर आप इसका डायरेक्ट प्रूव करेंगे तो वो तो आप ऑलरेडी कर चुके होंगे। मसलन आपने कैसे प्रूव किया था इसको कि एन स्केयर इफ एन स्केयर इज इवन देन एन क्या होगा? इवन। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट होती है। हम क्या करते हैं, एन को इवन लेते हैं, अभी डायरेक्ट प्रूफ कर बता रहा हूँ। तो इवन का तो ये मतलब है, फिर इसका स्केयर कर लो दोनों तरफ, तो एन स्केयर किसके बराबर आ जाएगा? 4k² के। तो 4 को आप लिख सकते हो 2 × 2k². अब ये जो 2k² है ये हल करोगे तो कोई नया नंबर आ जाएगा, तो एन स्केयर किसके बराबर आ गया? 2r। तो ये तो किसी भी नंबर के फैक्टर में अगर 2 आ गया तो वो इवन हो गया। ये तो इसका है डायरेक्ट तरीका, ठीक है। अब कंट्राडिक्शन में क्या तरीका होता है कि आप इसके अंदर खुद से अपनी रॉकेट साइंस लगाते हैं। आप कहते हैं जी कि हमने अब इसको स्टेटमेंट को प्रूव करना है तो हम कंट्राडिक्शन के जरिए प्रूव करते हैं। कंट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है कि आपकी जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है ना, ठीक है, आप उसकी नेगेशन कर देते हैं पकड़ के। अभी है तो ये कंडीशनल है ना, ठीक है, ये इफ़ के बाद ये पी है, देन के बाद ये क्यू। यानी ये सवाल अगर आप देखते हैं, इफ एन स्केयर इज इवन देन क्या एन इज इवन, अब गौर से देखना ज़रा, ये सारा क्या आपका होता है पी, देन की वजह से यह इफ और देन की वजह से एरो आता, और ये क्या सारा क्यू। आपने इसकी नेगेशन करनी पी एरो क्यू की, ठीक है। तो वैसे जो आपके पास होता है पी एरो क्यू, ये तो नेगेशन है, ये पी एरो क्यू पीछे आपको जो ट्रूथ टेबल के अंदर आपने ये चीज़ प्रूव की हुई है कि ये इसके बराबर होते हैं, पी एरो क्यू इसके बराबर होता है टिल्ड पी वेल क्यू के, ठीक है। यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ कि पी एरो क्यू वैसे किसके बराबर होता है? टिल्ड पी वेल क्यू के। या पीछे देख सकते हैं ट्रूथ टेबल जहाँ पर प्रूव। अब आपने इसकी नेगेशन कर दी दोनों तरफ कर दी, यहाँ डबल नेगेशन लॉ लग जाएगा, यानी वो डबल नेगेशन से मुराद के पहले डिमॉर्गन ला लगेगा, ये हैट हो जाएगा, तो ये पी आ जाएगा और ये हैट टिल्ड क्यू, ठीक है। अब इसमें करते क्या है कि जो आपका सवाल है आप सपोज करते हैं कि वो क्या है, ठीक है, आप उसकी नेगेशन कर देते हैं, ठीक है। अब नेगेशन जब करनी है तो इसका तर्जुमा जब हम करेंगे तो लेफ्ट साइड का नहीं करेंगे, इसकी राइट साइड के ऊपर ले जाएंगे। मुराद क्या है, ये आपका पी है और ये देन के बाद ये क्यू है, तो राइट हैंड साइड आपको क्या बताती है, ठीक है, जब आपने इसकी नेगेशन करनी है तो क्या होगा कि ये पी एज इट आएगा एंड, और इसकी क्या हो जाएगी नेगेशन। तो सपोजिशन में आपने फिर लिखना क्या, इसकी राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं। सपोज क्या करेंगे, एन स्केयर इज इवन, हैड का मतलब एंड होता है, ठीक है, क्यू आपका यहाँ क्या था एन इज इवन, यहाँ आपने लेना टिल्ड क्यू, यानी एन इज नॉट इवन। ये अब आपको कंट्राडिक्शन के जरिए बता रहा हूँ हल करना, हो गई बात क्लियर? तो चेक कर लेते हैं, ठीक है। वो कहता है कि अगर एन इवन नहीं होगा तो एन स्केयर इवन निकलेगा, ठीक है। तो ये तरीके के अंदर क्या होता है कि आप इसको जब हल करते हैं, एन को इवन नहीं लेंगे तो इसका मतलब क्या है, आपने ऑड लेना है, तो ऑड लेके देखें कि अगर एन ऑड लेते हैं तो क्या उसका स्केयर इवन आएगा, नहीं आएगा। तो आप कहेंगे इसका मतलब आपने जो चीज़ सपोज की वो गलत है, लिहाजा आपकी ओरिजिनल स्टेटमेंट ट्रू होगी, क्योंकि ये तो आपकी अपनी रॉकेट साइंस है। हम सपोज कर लेते हैं कि एन क्या है आपके पास, अब इवन तो नहीं, ऑड लेंगे तो वो ये, हम दोनों तरफ स्केयर कर लें आप, तो यहाँ क्या आएगा ए स्केयर प्लस 2ab प्लस क्या आ जाएगा बी स्केयर, तो ये क्या आ जाएगा ए स्केयर, इसको हल करेंगे 4k² आ जाएगी 4k प्लस 1, इन दोनों में 2 कॉमन लोगे बाकी क्या रह जाएगा 2k² प्लस 2k और प्लस 1, इस सारे को आप क्या ले लो कोई नया नंबर है तो ये r आ जाएगा और ये प्लस 1, तो ये डेफिनेशन किसकी, ऑड की है, ठीक है। अब आपने तो सपोज किया था कि अगर आप n को ऑड लोगे तो n स्केयर इवन निकलेगा, तो जबकि n स्केयर भी ऑड आ रहा है, इसका मतलब आपने कोई मैथमेटिकली गलत चीज़ ले ली है ना, तो वो गलत क्या है आपकी, इसका इवन ना लेना यानी इसका ऑड लेना। इसका मतलब है आपकी ये वाला जो जुमला है, जो आपकी सपोजिशन है, वो गलत है। क्यों? क्योंकि वो आपको एक कंट्राडिक्शन पे लेके चलेगी अपनी ही बात के, ठीक है। क्योंकि आपने तो ये सपोज किया था कि अगर एन ऑड लेंगे तो एन स्केयर इवन आएगा, तो जब आपने एन ऑड लिया तो एन स्केयर इवन तो ना आया,
एन क्या निकला है ऑड, तो ये आपकी पोजीशन की कंट्राडिक्शन होती है। इसका मतलब आपने सपोज गलत किया है, तो फिर दुरुस्त क्या होगा, ये आपका जुमला। लो जी ये तरीके हैं बस, यही आपने हर एक के अंदर अप्लाई करते हैं। पहली थ्योरम अभी करवाता हूँ, बाद में आप अगला भी यही है, ठीक है कि एन स्क्वायर क्या आपके पास है, एन क्यू प्लस फाइव ऑड है, देन एन इज इवन। तो इसका मतलब क्या, सपोज करो कि ये तो ऑड है लेकिन ये क्या है, इवन है नहीं, सिंपल। तो जब ये इवन ही नहीं लिया आपने सवाल के अंदर, तो इसका मतलब क्या होगा, आपने इसे क्या लेना होगा, ऑड ले लिया ना आपने। अब आप इसको हल करो ना ज़रा, वो आगे कहता है सिंस एन इज ऑड, एन आपने ऑड लिया एंड दी प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर्स इज ऑड, ठीक है। अब गौर से देखना, सपोज आपने क्या कर लिया, ये लॉजिक है बेटे, ठीक है, लॉजिक के अंदर आपका दिमाग इस्तेमाल होना है। सपोज आपने किया कि ये इज, ये ऑड है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, एन इज नॉट इवन, ये आपने सपोज किया, यानी एन इवन नहीं है का मतलब क्या, आपने इसको ऑड लेना। अब सवाल क्या था आपका कि अगर ये ऑड है तो ये क्या होगा, इवन। तो आपने क्या किया, आपने यही फ़र्ज़ किया, ये पहला हिस्सा तो ऑड है लेकिन दूसरा हिस्सा आपका इवन है नहीं। तो आपके पास एक बात मुझे बताओ कि जब आपका ये ऑड है, ठीक है, तो ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या है आपके पास है, ये है ना, ये नाइन है, तो यही वो गैर है। तो इसका मतलब क्या कि अगर आप ये ऑड नंबर है एन को एन से मल्टीप्लाई करो तो एन स्केयर आएगा, वो बताते खुद भी क्या होगा, ऑड होगा। अब ये जो एन स्केयर है, ये ऑड है, इसको फिर दोबारा किसी ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आंसर आपके पास जो आएगा वो भी क्या निकल के आ जाएगा, यही उसने लिखा हुआ है ना, एन क्यूब है तो वो भी क्या है, ऑड ही होगा, ठीक हो गया। अब एन स्केयर एन क्यूब जो है वो ऑड हो गया, ठीक है। अब आपको एक और रूल भी पता है कि अगर आप दो नंबर्स जो हैं, फर्दर सिंस द डिफरेंस ऑफ टू ऑड नंबर्स इज इवन, अब दो ऑड नंबर ले लो कौन कौन से, फ़र्ज़ कर लो एक आपने ऑड क्या ले लिया, नाइन ले लिया, दूसरा ऑड क्या ले लिया, फाइव है, तो इनको माइनस करोगे क्या आंसर आएगा, वो इवन आता। अब लॉ ये बताता है आपको कि जब भी दो ऑड नंबर का डिफरेंस लोगे तो वो क्या आएगा, इवन। एक तो ऑड ये आपके पास है, तो आप इनका डिफरेंस करो ना ज़रा, ये ऑड नंबर आपने सपोज किया, दूसरा आपने यहाँ से बना लिया, इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, तो इनको हल करोगे तो आंसर क्या आएगा, फाइव। तो रूल तो ये बताता है कि दो ऑड का डिफरेंस क्या होता है, इवन, जबकि आपने दो ऑड का डिफरेंस लिया तो वो क्या निकला है, ऑड। तो मैथमेटिकली तो ये पॉसिबल ही नहीं, मैथमेटिकली तो ये बात पॉसिबल है, इसका मतलब आपकी रॉकेट साइंस क्या होगी, गलत होगी। वो कब हुई है, जब आपने इसको इवन के अलावा लिया, तो इसका मतलब कि ओरिजिनल स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी सपोजिशन आप जो करते हो, ठीक है, अगर ये क्या है, आपने ऑड लिया और ये हल करने के बाद यहाँ पर क्या निकल आता, ठीक है, यहाँ पर क्या निकला था आपके पास, ठीक है, मैथमेटिकली ट्रू रिजल्ट निकलता, तो आपने क्या कहना था, ठीक है, तो आपने कहना था कि आपकी सपोजिशन दुरुस्त है। अब आपके पास मैथमेटिक तो हमें ये बताती है दो ऑड का डिफरेंस इवन होता है, जबकि यहाँ दो ऑड जो आपने यहाँ से एक तो इसको तो फर्ज किया, ये ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई किया एन स्केयर, ये भी मैथ कहता है ऑड आता है, फिर ये ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई किया एन क्यूब, तो ये भी ऑड ही होगा, तो ये ऑड और ये ऑड का डिफरेंस किया तो वो तो आना चाहिए इवन, जबकि वो ऑड निकला। इसका मतलब है कि आपकी सपोजिशन में गलती है, तो ओरिजिनल स्टेटमेंट ट्रू है। अगला भी यही है, प्रूव बाय कंट्राडिक्शन मेथड द स्टेटमेंट, इफ एन एंड एम आर ऑड इंटीजर्स देन एन प्लस एम इज इवन इंटीजर, ये प्रूव करना है आपने। तो आपने सपोज कर लिया एन एम तो क्या ऑड है, जबकि ये क्या है, इसको हमने इवन की बजाय क्या लेना है, नॉट इवन, नॉट इवन का मतलब ऑड ले लो, ठीक है। अब ये दोनों क्या आपके पास ऑड है, ऑड की डेफिनेशन लगा दो दोनों पे, यही ऑड की होती है ना, ठीक है, टू पी प्लस वन कर लो और टू क्यू प्लस वन, अब इन दोनों को सम करो, सम करोगे ये दोनों की वैल्यू सम है, ये और ये लिखो वन प्लस वन टू, इन दोनों में, इन तीनों के अंदर टू कॉमन है, बाकी ये नंबर आ गया, तो इसको फर्दर लिखोगे तो ये आर के बराबर लिख लो इसको हल करके, ठीक है। तो ये एन प्लस एम किसके बराबर आ गया, टू आर, टू आर किसकी डेफिनेशन है, इवन की, आगे बात समझ में। तो मतलब क्या हुआ आपके पास है, विच इज़ इवन, ये तो इवन हो गया, कंट्रडिक्शन दी अजम्पशन दैट एन प्लस एम इज ऑड, जबकि आपने क्या लिया था, आपने तो अज्यूम किया था कि अगर ये दोनों ऑड है तो फिर इनका सम क्या होगा, ऑड निकलेगा, तो सम ऑड तो नहीं निकलना, और क्या निकल रहा है, इवन निकल रहा है, इसका मतलब आपकी सपोजिशन में कहीं क्या गलती है, तो फिर ओरिजिनल स्टेटमेंट ट्रू है। कहता दी सम ऑफ एनी रैशनल नंबर एंड एनी इरेशनल नंबर इज इरेशनल, ठीक है, आप गौर से देखना। कहता है कि अगर आप एक रैशनल नंबर लेते हैं और एक इरेशनल नंबर लेते हैं, ठीक है, तो नतीजा क्या होगा, जब आपने उसको सम करना तो वो भी क्या निकलेगा, इरेशनल नंबर निकलेगा। अब फ़र्ज़ करो
वी सपोज दैट, हम निगेशन किया करते हैं ओवर स्टेटमेंट, हम कहते हैं वी सपोज दैट इज द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, कि इसकी इस स्टेटमेंट की निगेशन जो होगी वो ट्रू है, दैट इज इसका मतलब क्या, वी सपोज दैट देयर इज ए रैशनल नंबर आर एंड एन इरेशनल नंबर एस, एक रैशनल नंबर आर ले लिया और एक इरेशनल नंबर एस ले लिया, ठीक है, इस तरह से कि इन दोनों का सम क्या होगा, रैशनल, क्योंकि आपने तो प्रूव करना है इरेशनल, आप इसको उल्टा लेते हो जो जिस तरह पीछे किया आपने, आपने इसको रैशनल ले लिया। अब अगर आपने ये सपोज कर लिया तो मैथमेटिकली आपके किसी दुरुस्त नतीजे पे आना चाहिए अगर आपकी सपोजिशन दुरुस्त होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब आपने इसको क्या लिया, आर प्लस एस को रैशनल लिया, आर भी क्या आपके पास रैशनल है, तो रैशनल क्या होता है, दो इंटीजर की डिवीजन होती है, एक ये बन गया आपका रैशनल, फिर आर प्लस एस जो है ये भी रैशनल है, तो रैशनल का क्या मतलब है, ये दो इंटीजर की डिवीजन होगी। अब गौर से देखो ज़रा, ये आर की वैल्यू ए ओवर बी यहाँ पुट कर दो, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ए बटा बी प्लस एस इज इक्वल टू सी बटा डी, ठीक है, इसको उधर ले जाओगे माइनस हो जाएगा, एलसीएम लोगे, अब हैं तो ये सारे इंटीजर ही है ना, तो इंटीजर को मल्टीप्लाई करके आपस में डिफरेंस हो तब भी इंटीजर, दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करो तब भी इंटीजर, तो ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, तो जब इंटीजर ओवर इंटीजर होता है तो वो तो डेफिनेशन किसकी होती है, रैशनल नंबर की, तो इसका मतलब एस क्या निकल आया आपका, रैशनल निकल आया, ठीक है, जबकि आपने क्या लिया हुआ था, दो आपके पास एस क्या था, इरेशनल था, ठीक है, जबकि यहाँ एस क्या निकल आया, रैशनल निकल आया, इसका मतलब आपने जो सपोज किया वो दुरुस्त बात नहीं है, उसमें कोई गलती है, और वो गलती क्या है कि आपने ये जो कहा कि इसका साम क्या है, दो एक रैशनल और इरेशनल का साम आपने क्या सपोज कर लिया, रैशनल, जबकि वो रैशनल नहीं होता, वो क्या होता है, इरेशनल होता है, क्योंकि अगर आपकी बात दुरुस्त होती, ठीक है, अगर आपकी ये बात दुरुस्त होती तो फिर एस भी क्या होना चाहिए था, इरेशनल निकलना चाहिए था, जबकि यहाँ एस क्या निकल आया, रैशनल निकल आया। आप ए बी सी डी को इंटीजर ले लो ना सेट ऑफ इंटीजर्स में से, तो जब देखोगे, ठीक है, तो ये एस क्या निकलेगा, इंटीजर ही निकलेगा, तो ये आपकी सपोजिशन के अगेंस्ट हो गया, तो इसका मतलब आपने जो सपोज किया वो गलत है, यानी ये जो आपकी सपोजिशन है इसके अंदर गलती है कि ये रैशनल जो लिया आपने, तो ओरिजिनल क्या होगा, ये वाली स्टेटमेंट ट्रू होती है। आगे वो कहता है टू स्केयर रूट क्या है, इरेशनल, हम इसका उलट फर्ज कर लेते हैं, हम कहते हैं ये क्या है, एक रैशनल नंबर, अगर ये रैशनल है, ठीक है, तो इसका मतलब है ये दो इंटीजर की डिवीजन के बराबर होगा, दोनों तरफ स्केयर कर लो, इधर से अंडर रूट खत्म, ये एम स्केयर ओवर एन स्केयर है, ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, ये टू एन स्केयर है, साइडें चेंज कर लो, एम स्केयर बराबर आ गया टू एन स्केयर, अब एम स्केयर के फैक्टर के अंदर टू आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि एम स्केयर इवन हो गया, ठीक है, अगर ये एम इवन हो गया इसकी वजह से, क्योंकि मल्टीपल इसका टू आ गया, तो हम एम को एक नया इवन ले लेते हैं, जब एम है ही इवन, तो हम एम को फर्ज कर लेंगे टू के है कोई इवन, ठीक है, एम स्केयर क्या है, इवन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो बेस एम है, ठीक है, एम स्केयर अगर इवन हो तो फिर जो बेस होती है वो भी क्या होती है, इवन होती है, तो पीछे आपने प्रूव कर लिया ना, पहला सवाल जो प्रूव किया यही आपने प्रूव किया ना, एन स्केयर इवन है तो एन भी क्या होगा इवन, तो यहाँ पर एम का स्केयर अगर आपने प्रूव किया यहाँ पर, इसके मल्टीपल में टू आ रहा है, तो इसका मतलब एम स्केयर इवन है, तो फिर इसकी बेस जो एम होगा वो भी इवन होगा, उसको आपने टू के ले लिया, अब यही एम की वैल्यू टू के इधर पुट कर दो, इधर क्या होगा टू के स्केयर, और ये टू एन स्केयर, इसको हल किया फोर के स्केयर इज इक्वल टू टू एन स्केयर है, यहाँ से आप क्या करोगे, ठीक है, इसको इधर टू से डिवाइड कर दोगे, तो फोर के स्केयर बाय टू क्या आ जाएगा टू के स्केयर, ठीक है, साइडें चेंज कर लो, एन स्केयर बराबर आ गया टू के स्केयर, यहाँ से क्या प्रूव हो रहा है, एन स्केयर के मल्टीपल में टू आया, इसका मतलब एन स्केयर क्या है, वो भी इवन होगा, अगर एन स्केयर इवन है तो एन स्केयर के नीचे जो स्केयर के नीचे बेस है एन, वो भी क्या होगा, इवन होगा, ठीक हो गया, लेकिन एक मसला आ गया ना, अब एन भी इवन निकल आया, एम भी इवन निकल आया, तो इन दोनों के अंदर एक फैक्टर टू कॉमन हो जाएगा, जबकि आपने ये जो लिया हुआ है, ये जो आप कहते हो ना, जब आप ये लेते हो रैशनल नंबर, तो ये इसकी अपनी लीस्ट फॉर्म ही होते हैं, इनमें कोई फैक्टर कॉमन नहीं हो सकता, ये याद रखना, जबकि यहाँ पर एन और एम आपके दोनों क्या आ गए, एम भी आपके पास इवन आ गया और एन भी क्या आ गया, इवन आ गया, ठीक है, आप कोई भी इसको ले सकते हो, फ़र्ज़ करो ये टू एल कर लो, तो अब एम और एन के अंदर क्या हो गया, ये तो कॉमन फैक्टर आ गया, तो इसका मतलब आप अपनी सपोजिशन के अंदर कोई गलती छोड़ आए, अगर वो दुरुस्त होती तो यहाँ इनमें ये कॉमन ना निकलता फैक्टर, ठीक है, आई बात समझ में, तो इसका मतलब क्या है, बट दिस इज़ कंट्रडिक्शन टू ओवर सपोजिशन दैट एम एन एंड हैव नो कॉमन फैक्टर्स, हैंस ओवर सपोजिशन इज़ फॉल्ट एंड सो थ्योरम इज ट्रू, यही पीछे से आप चल रहे हैं आपके पास, कि आगे ये दोबारा वही चीज़ लिख दी। अगला सवाल वो कहता है कि ये इरेशनल है, हम उलट क्या फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये रैशनल है, अगर ये रैशनल है तो ये दो इंटीजर के क्वेश्चन के बराबर हो जाएगा, और जबकि ए और बी में कॉमन फैक्टर कोई नहीं होता, ये याद रखना, अब क्या करो आप, ठीक है, इसको उधर ले जाओ पॉजिटिव हो जाएगा, इसको उधर ले आओ नेगेटिव हो जाएगा, साइडें चेंज कर लो, अब इसका एलसीएम लोगे ये आ जाएगा,
सेवन से डिवाइड कर दो। अब ये अगर ए बी इंटीजर हैं तो उनके इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करोगे तो ये बताते खुद क्या आ जाएगा, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, तो इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते वो तो रैशनल नंबर बनता है, जबकि ये लेफ्ट साइड पे क्या है टू स्क्वायर रूट, वो तो इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपने जो सपोज किया है वो आपको एक कंट्राडिक्शन पे ले आया, मैथमेटिक्स के लिहाज से ये नतीजा गलत है। इसका मतलब आपकी सपोजिशन गलत है और आपने सपोज क्या किया था, ये चीज़ रैशनल है ये गलत है, इसका मतलब ये क्या है इरेशनल। अगला सवाल वो ये कहता है कि अगर ए जो है कोई इंटीजर है और पी आपका प्राइम नंबर है और पी डिवाइड कर देता है ए को, तो फिर पी जो होगा अगर ए में वन ऐड करेंगे तो उसको डिवाइड नहीं करेगा, उसका ये मतलब है कहने। अब अगर जो है पी डिवाइड करता है ए को तो इसका मतलब क्या है, ए के एक फैक्टर पी होगा दूसरा कोई और होगा, ठीक हो गया। अब हमने तो उलट चलना है ना, पूरे कंट्राडिक्शन वाले मेथड में तो कर ही ये रहे क्या, कि यहाँ तो ये है कि इसको डिवाइड नहीं करता, हम कहते हैं नहीं ये डिवाइड करता, यही लिखा हुआ है ना आपने यहाँ पर कि पी जो है ए को भी डिवाइड करता है और पी ए प्लस वन को भी डिवाइड करता है, ये आप सपोज करते हो, जो स्टेटमेंट होती है उसका उलट सपोज कर लेते हो। ठीक है, पूरा उलट नहीं करते हैं, दूसरा हिस्सा उलट सपोज कर लेते हैं। तो अगर पी ए को डिवाइड करता है तो ए का एक फैक्टर पी बन जाएगा, दूसरा आर है, और अगर पी ए प्लस वन को डिवाइड करता है तो फिर ए प्लस वन का एक फैक्टर पी होगा दूसरा एस होगा, एस से मुराद कोई और फैक्टर होगा। अब आप एक बात देखो, ठीक है, कि अगर आप क्या करते हो ए प्लस वन और ए को आपस में माइनस करते हो, वन को लिख सकते हो ना, वन बराबर हो सकता है ए प्लस वन माइनस ए और ए खड़ेगा फिर वन ही। अब ए प्लस वन किसके बराबर है, पी इन टू एस के, जबकि ए जो है वो किसके बराबर है, पी इन टू आर के, पी कॉमन ले लो तो पी आपके पास किसके बराबर, वन किसके बराबर आ गया, पी इन टू एस माइनस आर के, तो एस माइनस आर करोगे तो वो क्या निकल आएगा, कोई नंबर ही होगा ना। अब ये जो आपके पास आया है एस माइनस आर है, तो आप इसको एक और नया नंबर फ़र्ज कर लो, फ़र्ज़ कर लो ये क्या एम है, तो अब वन के दो फैक्टर बन गए, एक पी और एक क्या है एम है, आई बात समझ में। तो इसका मतलब पता क्या बनता है, इसका मतलब ये बनता है ये जो पी है वो इसको डिवाइड करता है, ये ऐसे ही है जैसे ये लिखा हो, तो 20 बराबर है 5 इन टू 4 के, तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, कि ये 5 इसको डिवाइड करता है, यानी 5 डिवाइड्स 20, तो यहीं पर आप लॉजिक यूज़ करोगे तो ये क्या आ जाएगा, पी डिवाइड्स 1। ठीक है, तो पी बताते खुद क्या है आपके पास, एक प्राइम नंबर है, तो 1 जो होता है वो प्राइम नंबर है ही नहीं। कहता है बट दी ओनली इंटीजर डिवाइजर ऑफ वन, वन के तो अपने जो इंटीजर डिवाइजर होते हैं या तो वो वन होते हैं या माइनस वन होते हैं, जबकि पी जो है वो वन से बड़ा है। ठीक है, तो अगर कोई वन से बड़ा नंबर है तो वन को तो नहीं कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, मिसाल के तौर पर 3 है। ठीक है, अब आप कहो जी कि 3 डिवाइड करता है 1 को कम्प्लीटली, तो ये बात गलत हो जाएगी, इसका तो मतलब ये है कि 1 डिवाइडेड बाई 3 है, ये तो नहीं मुमकिन होता ना, वो पॉइंट वाला हिस्सा नहीं होता होल नंबर, यानी आंसर 0 तो नहीं आएगा ना किसी नंबर से सरव करने से, इंटीजर से 1/3 से नहीं, वैसे बता रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या, मैथमेटिकली ये गलत नतीजे पे पहुँच गए हमें, क्योंकि 1 के जो डिवाइजर जो होते हैं वो 1 और माइनस 1 है, कैसे, ये वो कहना चाह रहा है, 1 का एक डिवाइजर तो 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पर तो आंसर 0, फिर यहाँ पर अगर 1 है तो माइनस 1 से भी ये डिवाइड होता है, माइनस 1 को माइनस 1 से करोगे तो ये प्लस 1 है, तो नीचे 0, इसकी बात की जाती है। लेकिन 3 को आप कोई भी ऐसा नंबर नहीं जिसको मल्टीप्लाई करें इंटीजर से, तो यहाँ पर आंसर 1 आ जाए और आंसर 0, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो ये कब हुआ है, मैथमेटिकली आप गलत नतीजे पे आ गई हैं। ठीक है, क्योंकि पी याद रखो 1 से बड़ा है, मैंने इसलिए 3 लिया। तो ये कब हुआ है, जब आपने ये फ़र्ज़ किया है कि पी ए को भी डिवाइड करता है और पी ए प्लस 1 को भी डिवाइड करता है, इसका मतलब है आपकी सपोजिशन ये वाला हिस्सा गलत, तो ओरिजिनल थ्योरम आपका ट्रू हो जाएगा। अगला सवाल है वो कहता है कि 2√3√ आपने रैशनल ले लिया, अला प्रूफ तो इसको इरेशनल करना है, तो आप उलट ले लो, रैशनल ले लो, अगर रैशनल लिया है तो ये नंबर बराबर होगा 2 इंटीजर के कोशेंट के, जबकि ए और बी में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ये याद रखना हमेशा के लिए। दोनों तरफ स्केयर कर लो, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्केयर है तो क्या आएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर अंडर रूट कट जाए, प्लस 2ab इधर ए स्केयर ओवर बी स्केयर, ये 2+3 5 होगा, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, इधर इसको हल करोगे ये आ जाएगा, इसका एलसीएम लेके हल किया ये आ गया, ये 2 से डिवाइड। अब ये ए बी सारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं, उनके स्केयर भी इंटीजर, उनको मल्टीप्लाई करोगे किसी डे वो भी इंटीजर, डिफरेंस भी इंटीजर, डिवीजन भी इंटीजर, तो इंटीजर ओवर इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, जबकि 6√ क्या है, वो तो एक इरेशनल नंबर है। इसका मतलब मैथमेटिकली आप गलत नतीजे पे पहुंचे, कब, जब आपने ये सपोज किया कि ये रैशनल है, इसका मतलब आपकी सपोजिशन गलत है और ये सवाल ठीक है। आखिर में ये याद रखना एक और बात है कि सम जो होता है ना 2 इरेशनल नंबर का, वो ज़रूरी नहीं है कि इरेशनल निकले, ये याद रखना। मसलन ये इरेशनल है पूरा, ये भी इरेशनल, जबकि इसको सम करोगे तो वो तो 12 आ रहा है जो कि रैशनल।
इसके बाद आखिरी ये थ्योरम में कहते थी सेट ऑफ प्राइम नंबर्स इज इन्फिनिट, प्राइम नंबर का सेट क्या है वो कहता है इन्फिनिट। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये फाइनाइट, यही करते आ रहे हो ना कि उलट फर्ज कर ले, अगर ये फाइनाइट है देन ऑल दी प्राइम नंबर्स कैन बी लिस्टेड एज, अगर जब कोई चीज़ फाइनाइट है, मसलन एक तरफ आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है वो तो इन्फिनिट, वैसे भी प्राइम नंबर्स की वैसे मैं बात करता हूँ, होता है तो यूँ ही है ना 2, 3, 5, 7 इस तरह ये चलते चले जाते हैं, आगे बात समझ में, ये तो इन्फिनिट है लेकिन अगर हमने ये फ़र्ज कर लिया कि ये फाइनाइट है, ठीक है, तो फाइनाइट सेट कौन सा होता है, ठीक है, फाइनाइट सेट का तो मतलब है इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे, ठीक है, वो काउंटेबल होंगे, ये लो 4 हैं जिस तरह, तो तभी ये फाइनाइट बनता है, ये हमने सपोज किया, ठीक है, इस सपोजिशन के नतीजे में मैथमेटिकली हम किसी गलत जगह पे पहुंच जाएंगे, यानी गलत नतीजे पे, ठीक हो गया। तो वो कहता है अगर हम इसको फाइनाइट लेते हैं तो इसका मतलब इसकी लिस्ट हम बना सकते हैं, इसको P1 कह लो, इसको P2, इसको P3, इसको P4 कह लो, इसी तरह PN है। अब आपका ये पहला थ्योरम आएगा, ठीक है, पहला थ्योरम ये बताता है कि कोई भी आपके पास देर इज़ नो ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, अब इसको पहले समझ लो फिर वो सवाल भी समझ आ जाएगा। हम फ़र्ज कहता है कोई भी इंटीजर बड़े से बड़ा हो ही नहीं सकता, जो आप बड़ा लोगे उससे भी बड़ा निकल आएगा। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, इसका उलट कहते हैं, हम कहते हैं एन सबसे बड़ा इंटीजर है, तो इसका मतलब है बाकी सारी वैल्यूज जो होंगी वो कैपिटल एन के बराबर होंगी या छोटी होंगी, ठीक है। अब अगर हम एन में एक ऐड कर देते हैं, भाई चलो है तो ये सबसे बड़ा, एक ऐड करेंगे तो क्या होगा, नया नंबर बन जाएगा। नाउ एम इज़ एन इंटीजर सिंस इट इज़ द सम ऑफ टू इंटीजर्स, ठीक है, एन आपने सबसे बड़ा इंटीजर लिया था तो वन तो खुद इंटीजर है, तो इंटीजर को इंटीजर में ऐड करोगे वो भी इंटीजर आ जाएगा, तो इसका मतलब एम क्या हो गया, वो भी इंटीजर है क्योंकि सम ऑफ दो इंटीजर इंटीजर होता है। इसका तो मतलब ये हुआ, ठीक है, कि एम बजाते खुद तो बढ़ गया किससे, एन से, ये ऐसे ही है जैसे ये लिखा हो कि 5 बराबर है किसके, 4+1 के, तो 5 बजाते खुद अकेला तो 4 से बड़ा ही है ना, तो ये वो कहना चाह रहा है एम बड़ा एन से, ठीक है। दस एम मीन इज एन इंटीजर दैट इज ग्रेटर दैन द ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, तो एम तो बड़ा हो गया जो आपने ग्रेटेस्ट फर्ज किया था, इसका मतलब क्या होगा कि आपकी बात गलत है, इसका मतलब क्या है कि आपकी सपोजिशन गलत है, क्या कि एन का ग्रेटेस्ट लेना, तो फिर ओरिजिनल स्टेटमेंट क्या होगी, देर इज़ नो ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो यही चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई करने लगे, ठीक है, हमने इसको फाइनाइट लिया, ये फाइनाइट नंबर्स है, ठीक है, हमने क्या किया, कंसिडर इन सब के प्रोडक्ट लेके उसमें 1 ऐड कर दिया, ये इसके प्रोडक्ट है, इन सबको मल्टीप्लाई करो और उसमें 1 ऐड कर दो, ठीक है, तो उसका नतीजा क्या होगा, 10 एन इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ज़रा देखो ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है, देखो उसने तो ये लिया कि एन बराबर है तमाम इंटीजर्स के प्रोडक्ट, ये डॉट का मतलब तो प्रोडक्ट ही है ना, और उसमें 1 ऐड कर दिया, असल ये यूं लिखा हुआ, ठीक है। तो अब अगर मैं ये लिखा कि 5 बड़ा है 4 से, तो 5 1 से भी तो बड़ा ही है ना, तो अब यहाँ पर ये चीज़ मैं यूज़ करने लगा हूँ, ठीक है, कि अगर n जो है इस चीज़ के और इस चीज़ के सम के बराबर है तो n इससे भी बड़ा होगा, लेकिन n इससे भी बड़ा, तो n बड़ा किससे, 1 से, ठीक है, उसकी रीज़न भी बताता हूँ क्यों किया। सिंस एनी इंटीजर ग्रेटर देन 1 इज़ डिविजिबल बाय सम प्राइम नंबर p, देयर फॉर p डिवाइड्स n, ठीक हो गया। अब वो क्या कहता है आपसे कि n जो आपके पास आया है, ठीक है, वो 1 से बड़ा है, ठीक है, तो कहता है सिंस एनी इंटीजर ग्रेटर देन 1, अगर कोई भी आपके पास इंटीजर जो 1 से बड़ा होगा, ठीक है, इज़ डिविजिबल बाय सम प्राइम नंबर p, ठीक है, तो वो क्या होगा, किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाता होगा। उसका कहने का क्या मतलब है कि अब ये लिखा है p डिवाइड्स क्या है n, कैसे n आप क्या ले लेते हो, सपोज करो n आपने क्या ले लिया, क्या लेना चाहते हो n, 5, ठीक है, तो 5 अपने आप पे डिवाइड नहीं होता, तो 5 खुद तो प्राइम नंबर ही है ना, n आपने 5 ले लिया तो 5 तो डिवाइड हो जाता है 5 से, ठीक है, ये n है, तो इधर हमने क्या लिखा कि 5 प्राइम नंबर भी है, तो n डिवाइडेड बाय p है, इसका मतलब क्या होगा, ठीक है, कि p डिवाइड्स n, ये असल में इसका मतलब ले रहा हूँ। आल्सो सिन p इज ए प्राइम, p मस्ट इक्वल 1 ऑफ द प्राइम नंबर, तो p को इनमें से किसी एक के इक्वल होना चाहिए, ठीक हो गया, दस पी डिवाइड्स, ठीक है, 1 ऑफ दी नंबर्स, आगे बात समझ में। लेकिन अगर पी जो है इनमें से कोई किसी एक को डिवाइड करता तो फिर इसके अलावा जो होगा, यानी जब इसमें 1 ऐड कर दो फिर उसको डिवाइड नहीं करेगा, मतलब क्या है, देखो इधर 5 एक प्राइम नंबर है, 5 5 को तो डिवाइड कर देता है,
लेकिन इस 5 के अंदर अगर मैं एक ऐड करूंगा तो वो 6 बनेगा, तो 6 तो नहीं डिवाइड होता उसी प्राइम नंबर से, कंप्लीट डिवीजन की बात कर रहा हूँ ना, जिस तरह 5 को 5 पे डिवाइड करते हो तो कंप्लीट डिवीजन में 0 आता है, लेकिन आप इसमें जब 1 ऐड कर दिया इस 5 के अंदर, जब ये करोगे तो 0 है, लेकिन इसमें 1 ऐड किया, ठीक है, तो आप 6 को 5 पे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जो है 0 तो नहीं आ रहा, वो तो 1 आ रहा है। आगे बात समझ में? तो वो कहता है कि अगर पी इनमें से डिवाइड करता है तो फिर इसमें अगर 1 ऐड करोगे तो उसको डिवाइड नहीं करेगा। आगे बात समझ में? ठीक है, और ये सारी चीज़ क्या थी आपकी? एन थी, ठीक है। अगर ये डॉट भी ले लोगे तब भी कोई इशू नहीं, उसने कॉमास लिए हमें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये सारा एन है, पी डज नॉट डिवाइड एन, दस पी डिवाइड्स एन एंड पी डज नॉट डिवाइड एन, जो कि कंट्राडिक्शन आ गई आपकी। हालांकि आपने सपोज क्या किया था, ठीक है, आप यहाँ से चल रहे थे, यही लिखा हुआ था आपने, प्रोडक्ट लिखा हुआ था, ठीक है, तो प्लस इसके अंदर 1 कर दिया आपने, तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ आपके पास क्या चीज़ आई है जी, ठीक है, कि यहाँ पर आपने प्रूव किया पी डिवाइड्स एन है, जबकि यहाँ क्या आ रहा है पी डज नॉट डिवाइड एन, तो इसका मतलब एक कंट्राडिक्शन आ गई, तो इसका मतलब आपने अपनी सपोजिशन के अंदर कोई गड़बड़ की हुई है, तो फिर आपका ओरिजिनल स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी। उसके बाद आता है कंट्रापोजिशन, ठीक है। कंट्रापोजिशन अगर आपको याद हो तो कंट्रापोजिशन होता क्या था, ये था पी एरो क्यू है ना, तो इसका कंट्रापोजिशन क्या, इनको चेंज कर लेते हैं लेकिन नगेशन के साथ, ये लो बस, बाकी डायरेक्ट प्रूव करना होता है। अब आपका यही है, इफ़ एन स्केयर इज इवन देन एन इज इवन, अब गौर से देखना, इफ एन स्केयर इज इवन देन क्या है, एन इज इवन, तो अब इसकी कंट्रापोजिशन क्या होगी, ये आपका पी है, ये क्यू है, ठीक है, तो ये कंट्रापोजिशन, ये पी है और ये क्यू है, तो इसको अगर पहले लेके आना तो इसकी निगेशन करोगे तो वो क्या होगा कि इफ़ एन इज नॉट इवन, ठीक हो गया, यही होती है ना कंट्रापोजिशन कि इसको पहले लाओगे लेकिन निगेशन कर दोगे, ये क्यू था आपका, ये पी है, तो ये आपका क्या बन गया, टिल्ड क्यू बन गया ना। उसके बाद देन के बाद, देन इफ़ और देन के मतलब ये एरो, टिल्ड पी का मतलब है ये आपका पी था, अब इसकी निगेशन करोगे पी के एन स्केयर इज इवन, तो यहाँ क्या आएगा, एन स्केयर इज नॉट इवन, तो अब इसको ले लो, अब तो डायरेक्ट प्रूव कर लो आप, इसमें तो और मसला ही कोई नहीं। इसका मतलब क्या, ये भी अगर ये ऑड है तो ये भी क्या निकलेगा, ऑड ही निकलेगा, नॉट इवन, इधर भी नॉट इवन है, तो आपने सपोज कर लेना है एन क्या एक ऑड नंबर है, बाकी सारा वही काम है, अब डायरेक्ट प्रूफ करना है, यहाँ से आगे डायरेक्ट कर लो, एन क्या ले लो ऑड, तो दोनों तरफ स्केयर कर लोगे तो वो भी क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए, तो आपका अगर कंट्रापोजिशन ट्रू है तो इसका मतलब आपकी कंडीशनल भी ट्रू होगी, ठीक है, तो ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लोगे, बाकी क्या रह जाएगा, 2k स्केयर प्लस 2k और ये प्लस 1, इसको हल करोगे, फ़र्ज कर लो ये एक नया नंबर r आ जाता है, तो n स्केयर क्या निकला है, ऑड निकला है, कब, जब n ऑड लिया था, इसका मतलब ये बात दुरुस्त है, तो फिर अगर कंट्रापोजिशन ट्रू है तो फिर ओरिजिनल स्टेटमेंट भी ट्रू होती है। अगले भी बेटे सारे सवाल आते इसी तरह के ही, वो आप कर सकते हैं, वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, आराम से हो जाएंगे, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है, ये कर लीजिएगा, फिर मैं आपको ये बता भी दूंगा कि आपके पास ये होना कैसे, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर ये सवाल देखो, प्रूव दैट एन स्केयर इज़ नॉट डिविजिबल बाई 25 देन एन इज़ नॉट डिविजिबल बाई 5, तो आप इसका कंट्रापोजिशन, यहाँ दोनों में पहले ही नॉट है तो कंट्रापोजिशन क्या होगा, नगेशन की नगेशन करोगे तो नॉट कट जाएगा, तो फिर क्या आएगा, इफ़ क्या आएगा, इफ़ एन इज़ डिविजिबल बाई 5 देन, इधर भी नगेशन ही होती है ना कंट्रापोजिशन में, इसकी नगेशन करके पहले ले आते हैं, इसकी निगेशन करके बाद में, अब यहाँ पहले ही नॉट है तो नॉट की निगेशन करोगे तो नॉट खत्म हो जाएगा, ये क्या बचेगा, इफ़ एन इज़ डिविजिबल बाई 5 देन, इसकी निगेशन करके बाद में लाना होता है तो इसकी नॉट की निगेशन करोगे तो नॉट खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा, एन स्केयर इज डिविजिबल बाई 25, ठीक हो गया। तो आप डायरेक्ट प्रूफ कर लो, सपोज एन इज़ डिविजिबल बाई 5, एन अगर 5 पे डिविजिबल है तो एन का एक फैक्टर 5 होगा, दूसरा कोई और होगा, आप दोनों तरफ स्केयर कर लो, ये 25, ठीक है स्केयर, तो एन स्केयर का एक फैक्टर क्या 25 है, दूसरा कोई और होगा, तो इसका मतलब एन स्केयर क्या 25 से डिवाइजर, तो आपका प्रूव हो गया। अब इसी तरह ये आखिरी, ये देखो ये क्या है, वो कहता है कि इफ़ एक्स मॉड ग्रेटर देन 1 है देन एक्स इज़ ग्रेटर देन 1 और एक्स इज लेस देन क्या होगा -1। अब अगर आप ये आपके पी है सारा, ये क्या क्यू, इसकी निगेशन करनी, इसको समझ लो क्या ना क्या जा रहा है, ये वो चीज़ें हैं जो आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मुश्किल को भी आपके लिए आसान बना दूँ। तो x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 1 और x क्या है जी लेस देन 1, ठीक है, असल ये सारी स्टेटमेंट। अब आपका ये सारा p है,
ठीक है, ये एरो और ये सारा गया क्यू। अब अगर आपने इसका कंट्रा पोजिशन करना है तो आपने तो नगेशन करनी है इसकी, इसको पहले ले आना और नगेशन करके इसकी बाद ही आना। आप इसकी नगेशन करोगे तो क्या होगा, एक्स ग्रेटर देन वन और एक्स लेस देन माइनस वन। इसकी नगेशन करके पहले लिख लिया, ये एरो आ गया, इसकी नगेशन करके बाद में लिख लोगे, इसकी नगेशन क्या होगी, ठीक है, कि एक्स मॉड यहाँ ग्रेटर था तो यहाँ क्या आ जाएगा, लेस है, यहाँ ग्रेटर है ना, वन से लेस ग्रेटर है तो यहाँ लेस आ जाएगा, इक्वल एक तरफ ही होता है ना, इधर नहीं है तो इधर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब जब आपने इस पे करना है ना तो इस पे डिमॉर्गन लॉ लगा देते हैं। डिमॉर्गन लॉ का क्या मतलब, एक्स ग्रेटर देन वन है तो जब निगेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, जब इसकी निगेशन करोगे तो एक्स लेस देन इक्वल टू, क्योंकि इधर ग्रेटर था तो इधर लेस है, चूँकि इक्वल इधर नहीं है तो इधर आ जाएगा, और जो होता है वो एंड में चेंज हो जाता है, एक्स लेस है तो इधर ग्रेटर हो जाएगा, इक्वल नहीं है तो इधर आ जाएगा, ठीक हो गया। असल में इसका ये मतलब होता है ये। अब आपने डायरेक्ट प्रूव कर लेना तो कर लो। अब आपके पास ये आ गया, एक्स लेस देन इक्वल टू वन, यहाँ क्या ग्रेटर देन, तो इन दोनों को कंबाइन करो क्या रिजल्ट निकलता है, कंबाइन करने से क्या आता है भाई, यहाँ पर एक्स ग्रेटर देन माइनस वन है तो यहाँ भी वही है, माइनस वन को मैंने इधर इस फॉर्मेट में लिख लिया, ठीक है, और इसको मैंने इधर लिख लिया, यानी यूँ मैं करना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इनको कंबाइन कर ही देता हूँ, इसको मैं पहले लिखता हूँ यहाँ, एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस वन है और एंड एक्स लेस देन इक्वल टू वन है, ठीक है, यहाँ क्या सॉरी ग्रेटर है, ये माइनस वन इधर लिख, ये गलत हो गया, इसको करेक्ट, ये माइनस वन है, माइनस वन लेस है किससे, या इक्वल है एक्स से, या एक्स बड़ा है इससे, ठीक हो गया। तो इन दोनों को कंबाइन करोगे तो एक्स वैसे सेंटर में आ जाएगा, और ये किसकी डेफिनेशन होती है, ये तो एक्स मॉड की डेफिनेशन होती है, हो गई प्रूफ के नहीं, डायरेक्ट प्रूफ आ गया कि नहीं, तो ये इसका मतलब है। लास्ट में वही कंट्राडिक्शन कहते हैं, फॉर ऑल इंटीजर इफ एन प्लस एम प्लस एन इज इवन देन एम एन एन आर बोथ इवन और बोथ ऑड, ठीक है, तो इसकी कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या बनेगी, ये बन जाएगी फॉर ऑल इंटीजर्स, ठीक है, नॉट बोथ इवन नॉट बोथ ऑड, देन क्या होगा, एम प्लस एन इज नॉट इवन, ठीक हो गया। तो दोनों कंडीशन को आप सिंपली ये भी कर सकते हो, फॉर ऑल इंटीजर एम एन एन इफ वन ऑफ एम एन 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 इज इवन एंड अदर इज ऑड देन एम प्लस एन इज ऑड। मुराद क्या, आसानी से उसने ये कहा है कि अगर एम और एन में से एक ही वन होगा तो दूसरा क्या होगा, ऑड होगा, और फिर उनका सम क्या होगा, ऑड आ जाएगा। बस हम सपोज कर लेते हैं एम इवन ले लो तो दूसरे को ऑड लेना पड़ेगा, तो ऑड की डेफिनेशन हम दोनों को ऐड कर लो, ये टू पी प्लस, इनको टू कॉमन ले लोगे, अब पी प्लस क्यू कोई नया नंबर होगा आर, तो दो चीज़ों का सम किसके बराबर आ जाएगा, ऑड के, तो यही आपने प्रूव करना था, ठीक है। अब इसकी मैं फिर बता रहा हूँ कि इसकी कंट्रा पोजिशन होशवाश में करना, इफ़ के बाद ये सारी चीज़ क्या है आपकी है, इवन है, देन के बाद जो ये सारा पी है आपका, देन के बाद ये पूरे का पूरा हिस्सा आपका क्या होता है क्यू, तो इसके ऊपर लॉ जो लगेगा वो क्या लग जाएगा, आप ध्यान से देखना ज़रा, ठीक है, मैंने आपको ये जो करके दिया है ना, इस पर भी यही चीज़ लगनी है, सेम टू सेम, होशवाश में लगाओगे तो हर चीज़ पर पहुँच जाओगे, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हुआ, देखो ना, जब आपने इसकी निगेशन करनी है तो और जो आपके पास है, ठीक है, वो एंड में चेंज हो जाता है, आगे बात समझ में, फिर जब एंड की जब आप निगेशन करते हैं, इस पर फिर डबल निगेशन लॉ लग जाता है, वो डिमॉर्गन लॉ, जब इसकी निगेशन करोगे आप और एंड में चेंज हो जाएगा, फिर इसकी निगेशन आएगी, फिर इस पर दोबारा निगेशन होगी, क्योंकि एंड के लिए आ जाती, तो इसलिए वो ये बता रहा है आपको सारे का सारा, ठीक है। चलो ये बढ़ तो गई है वीडियो में, आपको फिर भी आखिर के अंदर ये बता देता हूँ, ताकि आपकी कन्फ्यूजन किसी भी किस्म की रहे ना, कि इतना लेक्चर पढ़ाया, गौर से देखो, एम प्लस एन गया जी इवन, ठीक है, देन एम एंड एन क्या होने चाहिए, आर बोथ इवन, एक तो ये, और एम एन आर बोथ है ऑड। अब समझ आई बात, ये तो हो गया। अब इफ़ के बाद सारी चीज़ पी होती है, और देन के बाद ये सारी की सारी चीज़, ये सारी ऊपर वाली भी, ये भी, ये सारा क्या है, क्यू है। अब गौर से देखो उसने फिर क्या लिखा होगा, इसका कंट्रा पॉजिटिव बनाया ना, कंट्रा पॉजिटिव में क्या होता है, बाद वाली जो चीज़ होती है, ठीक है, उसकी निगेशन करते हैं तो क्या मतलब होगा, ये क्या, इसकी निगेशन करनी है ना आपने, ये सारी चीज़ की निगेशन होगी क्या, ठीक है, जहाँ आर आ जाता है ना, तो वहाँ क्या होता है,
जहाँ भी आपको, अभी मैंने सिंपल एक बात बताने लगा, गौर से देखना, अगर ये लिखा हुआ है इवन और क्या ऑड, ये लिखा, अब अगर आपने इसकी क्या करनी, नगेशन करनी है, ठीक है, तो डिमॉर्गन ला क्या बताता है, ठीक है, जब इसकी नगेशन करोगे तो ये क्या होगा, नॉट इवन, ठीक है, और जो होता है एंड में चेंज हो जाता है, और ये क्या हो जाएगा, नॉट ऑड। अब समझ आ रही है बात, वो ये कहना जा रहा है। तो अब यहाँ पर उसने क्या लिखा, बोथ इवन है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बोथ आर नॉट इवन, और जो होगा किस में चेंज हो जाएगा, एंड में। अगला क्या, एम एंड एन आर बोथ ऑड, इसका मतलब एम और एन दोनों क्या होंगे, ऑड नहीं होंगे, ठीक है, तो देन क्या होगा, एम प्लस एन इज नॉट इवन, ठीक है, यही चीज़ हो गई है ना, कि पहले इसकी नगेशन करोगे ये पहले आ जाएगा, देन के बाद फिर इसकी नगेशन करोगे, इसकी नगेशन क्या होगी, इवन है तो नॉट इवन वो बाद में चला जाएगा, ये कंट्रा पोजिशन है, ये पी इम्प्लाई की हुआ, इसका कंट्रा पोजिशन क्या है, बाद वाली, वैसे कंपाउंड स्टेटमेंट आ रही है ना इसलिए, तो इसकी जो नगेशन करोगे वो पहले आ जाएगी, देन के बाद इसकी नगेशन बाद में, ठीक है, तो इसकी जो नगेशन आपने करनी और पहले लिखनी तो वो ये, इफ़ के बाद ये सारी चीज़ बन गई, देन के बाद जब आपने इसकी नगेशन करनी है तो वो ये चीज़ बन जाएगी। सिंपली क्या मतलब इसका ले रहा है कि फॉर ऑल इंटीजर एम और एन, इफ़ वन ऑफ एम एंड एन इज इवन देन द अदर इज ऑड, इस सारी का ये तो यही मतलब बनता है, और तो कुछ भी नहीं, तो कहता फिर इनका सम क्या होगा, ऑड होगा, बाकी मैंने आपको करवा दिया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक आपकी कंप्लीशन हो गई है, फिर भी बेटे कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। देखो आप लोग पाकिस्तानी कौम हो तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पहले नेगेटिव सोचना होता कि शायद हर चीज़ अवान सा पैसे के लिए करें, बेटे अगर पैसे के लिए करना हो ना तो मैं कम से कम ये फ़ी ना रखूँ, ठीक है, और वीयू के स्टूडेंट को टाइम ना दूँ, मेरे पास ओ लेवल, ए लेवल है, बी एस सी है, और बहुत सारे हैं, इंटर, एफ एस सी, सारा कुछ है। ये मैं आप लोगों के लिए इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कम लोग कर रहे हैं। एलएमएस के ऊपर जो सब्जेक्ट्स दिए होते हैं, मैथ ज़बानी तो नहीं पढ़ाया जाता ना, बाकी जिन लोगों ने अच्छा काम किया हुआ है यूट्यूब पे, बहुत अच्छा काम किया, जिसमें मैं एडमायर करता हूँ मिस्किंजा बिलाल को, ठीक है, और भी कुछ लोग हैं जिन्होंने अच्छा काम किया हुआ है, लेकिन आधे घंटे में बेटे मैथ तो नहीं समझ आएगा, वो तो पेपर पास कर लोगे, बस नंबर ले लोगे। नॉलेज और कॉन्सेप्ट के लिए मैंने आप लोगों के लिए किया हुआ है, ताकि कोई मुझे ये ना कहे 1000 पर मंथ भी है इन सारे सब्जेक्ट्स की, और एक ही मरतबा डिपॉजिट करानी होती है। अभी भी 2-3 स्टूडेंट हैं, ठीक है, पता नहीं वो क्या सोच रहे हैं, शायद उन्होंने, चलें छोड़े, खैर, ठीक है बेटे, नए बच्चे सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ठीक है, और अपने कमेंट वगैरह दिया करें, ठीक है, गॉड ब्लेस यू।